हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पटेटिव सेवन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इवनिंग में प्रैक्टिस सेट जो है हम हमेशा देते हैं। आज प्रैक्टिस सेट 13 जो है का प्रिपरेशन करवा रहे हैं और बिहार स्पेशल का जो है फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार इंटर लेवल मेंस एग्जाम में बिहार स्पेशल भी ज़रूरी है। बिहार से जीके जो है उसकी भी लेवल ज़्यादा रहती है, तो वो जो है मॉर्निंग में हम डालते हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट और बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट जो है देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना लेते हुए और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्या है फ्रेंड्स कि सिराज उद्दौला के साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया था? तो अलीनगर की संधि की थी। अब बात इसकी है फ्रेंड्स कि सिराज उद्दौला जो थे वो 1756 में 20 जून 1756 में जो है क्या किए थे, तो कलकत्ता पर जो है आक्रमण किए थे और जो है इस कलकत्ता को कलकत्ता ना रख के अलीनगर नाम जो है रखने की घोषणा की थी। तो सिराज उद्दौला के साथ अंग्रेज़ों ने अलीनगर की संधि की थी। नेक्स्ट है कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो कौन थे? एनी बेसेंट। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले जो है बता देते हैं कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट थे और एक बार और 1925 में भारतीय अध्यक्ष कांग्रेस के पूछेगा तो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू जो थी 1925 में कांग्रेस का जो है कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई, भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो सरोजनी नायडू है जो 1925 में कांग्रेस का अध्यक्ष जो है बनाई गई थी और 1917 भी कलकत्ता अधिवेशन में बनाई गई थी और ये जो है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष थी तो एनी बेसेंट, और भारतीय अध्यक्ष पूछे कांग्रेस की तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम के प्रथम संपादक जो है अरविंदो घोष थे। और जो है अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात कर ले तो ये जो है वंदे मातरम के जो है रचयिता थे, इनके द्वारा रचित किया गया था। और ये जो है दोनों में अंतर है फ्रेंड्स, अगर पूछे कि वंदे मातरम के रचयिता कौन थे तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, अगर पूछ सवाल में ऐसा हुआ है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे तो अरविंदो घोष थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि भारतीय वायुसेना अमेरिका में नाटो सदस्य के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेगी, इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम क्या है फ्रेंड्स, तो इस अभ्यास का नाम रेड फ्लैग है। ओके, नेक्स्ट है कि भैंस सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, तो नागालैंड में पाई जाती है। वहीं अगर मिजोरम की बात कर लें तो मिजोरम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। मिजोरम की बात कर लेते हैं तो मिजोरम में पाई जाती है नियो जनजाति, जो है मियो जनजाति मिजोरम में पाई जाती है, इस जनजाति का नाम था, मिजोरम में पाई जाती है मियो जनजाति। और वहीं अगर बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो यहाँ जो है पासी जनजाति जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पाँच नंबर कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो अगर उच्चतम न्यायालय की बात कर ले तो कौन बनी थी? तो एम फतिमा बीवी बनी थी। और जो है अभी जो है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश होते हैं, ये याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। और जो है स्वर्ण सिंह समिति जो है वो जो मूल कर्तव्य को लाने में इनका ही योगदान रहा और मूल कर्तव्य का संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन में किया गया था, याद रखना कि मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन में किया गया। किनके द्वारा ये संस्तुति कौन किए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि आपातकाल की घोषणा ने लिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की घोषणा तो
52 हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें जो है आपातकाल घोषणा लगती है। रही 356 की बात, तो 356 की बात हम कर लेते हैं। तो 356 में जो क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और जो है 370 में आप जानते थे कि जम्मू कश्मीर था, लेकिन जो है अब हट गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को, सभी सदस्यों को जो है मतदान करने का अधिकार है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारा आंसर हो जाएगा तीव्र औद्योगिक विकास था, इसका मुख्य मोटिव था तीव्र औद्योगिक विकास। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1956 से जो है 1961 के बीच में जो है ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आया था। और जो है अगर पूछ लेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, तो पीवी महाबलूनिस, ठीक है, पीसी महाबलूनिस, ये जो है महाबलूनिस द्वारा जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया गया था, और ये जो है 1956 से 61 के बीच आया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ स्थित है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ स्थित है, तो अजमेर में स्थित है। अब इसकी बात जान लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो इसकी बात जान लेते हैं, तो जो है कहाँ, अजमेर में था। अब जो है कि ख्वाजा जो है ना, नेक्स्ट है कि सर सैयद अहमद खान के संस्थापक कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान जो हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक स्थापना कब हुई थी ये भी जानना है, तो जो है 1920 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी, तो कस्तूरबा गांधी की बात कर लें तो कस्तूरबा गांधी जो है महात्मा गांधी की धर्मपत्नी थी। और जो है नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि थॉमस आल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था, तो थॉमस आल्वा एडिसन ने क्या आविष्कार किया था, तो बिजली के बल्ब को आविष्कार किया था। अब कब आविष्कार किया था, तो इसका जो है 1878 में बल्ब का आविष्कार हुआ। वहीं अगर बात कर ले बाईसाइकिल का, तो बाईसाइकिल का कौन किसने आविष्कार किया था, तो बाईसाइकिल का आविष्कार करने वाले थे मैकमिलन, और कब, मैकमिलन, और जो है इसका आविष्कार हुआ था 1839 में। वहीं बात कर ले टेलीविज़न की, तो टेलीविज़न की जो है टेलीविज़न के आविष्कार कौन थे, तो यही बात कर लेते हैं, तो इसका आविष्कार जो है 1926 में हुआ था टेलीविज़न के आविष्कार फ्रेंड्स। और इसका आविष्कार कौन थे वहीं बात कर ले फ्रेंड्स टेलीविज़न का, बिजली का थॉमस आल्वा एडिसन ने बिजली का किया था, टेलीविज़न के वहीं कर लेते हैं बात, तो टेलीविज़न के हमारा कौन किए थे, तो थॉमस, और जो है कब हुआ था टेलीविज़न का आविष्कार 1926 में, कब हुआ था 1926, किनके द्वारा किया गया था, तो टेलर, इनका नाम था टेलर फार्सवर्थ, और जो है 1926 में। यही बात कर लेते हैं कंप्यूटर का, तो जो है कौन किए थे, तो चार्ल्स बेबेज, और जो है कब हुआ था 1942 में, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पेट्रोलियम गैस होती है, तो पेट्रोलियम गैस क्या होती है, तो पेट्रोलियम गैस होती है एक मीथेन, याद रखना है पेट्रोलियम गैस क्या होता है, मीथेन होता है। और जो है नेक्स्ट है कि एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है, तो एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है, तो याद रखना है कि तत्व के समस्थानिक में होता है प्रोटॉन, तत्व के समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक है,
तो हीमोफीलिया रोग क्या है? आनुवंशिक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? रुई जो है संश्लेषित रेशा नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि पृथ्वी सूरज के गिर्द इर्द गिर्द में घूमती है, गिर्द में घूमती है, तो सिद्धांत को निम्नलिखित सर्वोत्तम आधार जो है प्रदान करता है। तो क्या होगा इसका? जब पृथ्वी सूर्य के जो है इधर गिर्द घूमेगी, बगल घूमेगी, तो क्या होगा? ऋतु बनेगा, यानी कि ऋतु का बनना। नेक्स्ट है कि कस्तूर, हाँ ये तो हो गया था फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की पत्नी थी। नेक्स्ट है दुग्ध क्या है? तो दुग्ध जो है एक प्रकार का क्या है, तो दुग्ध क्या है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एक जो है कोलाइडी बिलियन है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसके नए पौधे की पत्ती उत्पन्न होते हैं, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट सॉफ्ट में जो है नए पौधे से पत्ती उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि पावर्टी एंड द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं, तो बताना है कि कौन थे, तो ये कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा दादा भाई नौराजी थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स G20 शिखर सम्मेलन के मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन है, तो बताना है, तो ये है हमारा आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मनुष्य और वन जीव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग के अंतर्गत एंटी डिग्रेडेशन स्क्वाड की शुरुआत की गई है, तो बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है हाल ही के दिनों में देश के समाचारों की सुर्खियां में रहा फास्टैग क्या है, तो बताना है कि जो है फास्टैग क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन टाल कनेक्शन सिस्टम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल से संबंधित है, अब यह बताना है, इसमें बताना है, तो ओनम और पोंगल, ये जो है ओनम और पोंगल जो है दोनों क्या है, त्यौहार से संबंधित फसलें हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। और ओनम और पोंगल कहाँ के ये फसल हैं, तो केरल के। ओनम ये जो त्यौहार है ना, ओनम और पोंगल त्यौहार जो है वो केरल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है अजंता पेंटिंग से संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है अजंता की पेंटिंग्स, तो अजंता की पेंटिंग्स जो है वो जो है गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। और जो है इसमें जो है अजंता की गुफा में चित्र संख्या 16 में जो है किसकी तस्वीर बनी हुई है, तो मरसन्नापन राजकुमारी का चित्र जो है बना हुआ है। नेक्स्ट है कि कन्नौज कौन क्षेत्र अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं था, कौन सा क्षेत्र जो है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर यह कन्नौज नहीं होना चाहिए, कौन सा क्षेत्र अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं था, तो मद्रास जो है अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण रेलवे के मुख्यालय की बात कर लेते हैं, तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो हमारा हो जाएगा दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है चेन्नई में है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। नेक्स्ट है मंदिरों का शहर का नाम से जाना जाता है, तो मंदिरों के शहर के नाम से किसको जानते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा वाराणसी। तो ये कुछ प्रश्न थे फ्रेंड्स और प्रैक्टिस सेट थे, जिसको जो है इवनिंग में हम हमेशा रिवीजन कराते हैं मॉर्निंग में बिहार स्पेशल का, तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं, और रिक्वायरमेंट से भी रिलेटेड वीडियो लाते हैं, जो कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन जल्द ही मिल पाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय।